हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट. यस, आई एम फाइनली बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. थोड़ा सा अभी मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो थोड़ा सा सेटल डाउन होने में, नई जगह में टाइम लगता है, तो उसी चीज़ में मैं थोड़ा बिजी थी इसलिए वीडियोस नहीं बना पाई. थोड़ा थोड़ा मैंने उस प्रोसेस के भी क्लिप्स शूट किए हैं, तो एक कंपाइलेशन उसका भी ज़रूर आएगा, सेटलिंग डाउन इन अ न्यू प्लेस एंड ऑल. बट बिफोर दैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आर एग्जाम इज जस्ट फ्यू डेज फार. Just last 7 days are left, so I have come up with the last 7 days strategy. Yeah, you must be thinking that 7 days में क्या हो जाएगा, ये 7 days strategies क्यों लेकर आए हैं. See, these 7 days are very crucial because जैसे जैसे exam का time pass आता है, एक एक दिन हम pass आते हैं ना exam के, तो वो एक अपने आप में important हो जाता है वो time. Because जो आपका mindset उस time period में है, वो आपके exam में reflect करने वाला है. That mental peace फॉर दिस टाइम पीरियड इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. और इसमें आप क्या कर रहे हैं, कैसे आपको प्रोडक्टिव बनाना है, लेट्स स्टार्ट. सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसी में मेंटल पीस. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव टू बी हेल्दी ऑन आर माइंड टू रेसिप्रोकेट इट थ्रू आर बॉडी एंड थ्रू आर वर्क. ओके, सो ऐसे एंशियस थॉट्स हम सबको आते हैं, एंग्जाइटी लेवल सारी एस्पिरेंट्स का इंक्रीज होगा. ये थॉट सबको आएंगे कि एग्जाम कैसा होगा, क्लियर होगा या नहीं होगा, दोबारा तो नहीं देना पड़ेगा, हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, ये भी पढ़ लो, इस बुक से भी पढ़ लो, सब पढ़ लो. सो ये सबको साथ है, कॉमन है, लेकिन आपको इसे हैंडल कैसे करना है और अपनी लास्ट डेज को प्रोडक्टिव कैसे बनाना है, इट इज इन योर हैंड्स. सो उसी के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ 3 टिप्स जो आपको फॉलो कर रहे हैं टू मेक योर नेक्स्ट फ्यू डेज प्रोडक्टिव. फर्स्ट ऑफ ऑल इज ब्रीदिंग एक्सरसाइज. वैसे तो हमें डेली ही ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, बट फॉर दिस नॉट सेट सेक्स वी आर टॉकिंग. सो आगे आने वाले 7 दिनों तक आपको डेली मॉर्निंग में 15 मिनट्स के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है. ठीक है, इससे आपका माइंड शांत रहेगा, यू विल गेट मोर प्रोडक्टिव, रिलैक्स रहोगे आप, कामनेस आएगी, पेशेंस इंक्रीज होगा, एंड वही चीज़ आपको एग्जाम डे पे रिफ्लेक्ट करेगी. आप प्रैक्टिस करके देखो, 15 मिनट्स इज नॉट मच, आई एम टेलिंग यू. 15 to 10 minutes हम निकाल सकते हैं. इट इज़ रियली वेरी वेरी इफेक्टिव. आई हैव ट्राइड इट एंड यू शुड डू टू. सेकेंड थिंग इज प्रॉपर स्लीप. प्रॉपर स्लीप आई एम सेइंग क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि ठीक है, हम नींद त्याग देते हैं, ये त्याग देते हैं, वो त्याग देते हैं, खाना नहीं खाएंगे. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अभी के लिए नींद त्याग देते हैं, बाद में 7 दिन के बाद सो लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, अभी हमारे लिए हमारा कॉल इंपॉर्टेंट है. बट दिस इज़ वेयर यू आर डूइंग रॉन्ग. क्योंकि अगर आप ये 6-7 दिन स्लीप डिप्राइव्ड हो गए, तो आपका जो ब्रेन है वो एग्जाम डे पे 100% परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो चुका होगा. वो वेट नहीं करेगा कि मुझे हाँ 7 दिन तक, उसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतना ही वर्क कर पाएगा ना. सो आप उसको इतना पुश मत करो कि वो एग्जॉस्ट हो जाए और फिर 100% आपका एग्जाम डे पे नहीं दे पाए. फिर पिछले कुछ महीनों से आप जो हार्ड वर्क कर रहे हैं उसका क्या फायदा होगा. तो यस, आपको डेली 6 to 7 आवर्स का स्लीप लेना ही है. थर्ड पॉइंट, ईट हेल्दी स्टे हेल्दी. आपको ये साधनों में थोड़ा अपना ध्यान रखना है ताकि आप बीमार ना पड़े, आपका एग्जाम डे अच्छा जाए हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी के साथ. ठीक है, ये 3 चीज़ें आप याद रखना एंड फॉलो दिस. आई एम टेलिंग यू, इट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट फॉर द एग्जाम डे. सेकेंड पॉइंट है हमारा रिवीजन. आई थिंक 2 to 3 रिविजन्स आप सभी ने कर ली होंगी. अब आपको फिर से इन 7 दिनों में एक रिविजन कंप्लीट करनी है, वेदर इट्स योर थर्ड और फोर्थ जो भी है, बट आपको इन 7 दिनों में एक रिविजन करनी ही है अपने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की. एटलीस्ट अगर आप लोग सारे सब्जेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ दिन बचे हैं, तो आपको अपने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स लाइक MSN, PDIA, OBG, फंडामेंटल, इन सब की तो करनी ही है. ठीक, प्लस अगर आपने जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं लाइक रिसर्च, न्यूट्रिशन, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो आई विल एडवाइज यू कि आप टारगेट हाई में जो उसका थ्योरी पार्ट और गोल्डन पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो 2-3 घंटे लगाकर वो कंप्लीट कर लीजिए. बिकॉज उनमें से भी 1-2 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं और उसको पढ़ने में आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप वहाँ से वो कवर करेंगे. प्लस मैं आपको बोलूँगी, टारगेट हाई जो हमारी बुक है, तो इसके फ्रंट पोर्शन में आपके कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इमेज बेस्ड थिंग्स दिए हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स है, इक्विपमेंट्स है, पोजीशंस हैं, तो ये सब आपको लाइक पढ़ के जानी है. आपको ये अभी लास्ट 7 डेज में भी पढ़ना है. प्लस ये वाली जो चीज़ है ना, ये आपको ऑन द एग्जाम डे भी, इसके लिए आपको पर्टिकुलर स्लॉट रखना पड़ेगा कि ये आपको एग्जाम में देख के ही जाना है एक बार. रीजन बीइंग, यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस आते ही हैं इन एवरी नोट्स, एंड मैंने लास्ट जो देखा है यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस आए हैं. सो जो आपको पता है कि वहाँ से आए गए, तो वो तो आप डेफिनेटली करके जाएं. ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट रिवीजन का. थर्ड पॉइंट इज एग्जाम सिनेरियो टेस्ट. मैंने आपको अपने पुराने वीडियोज में भी बताया है कि हमें एग्जाम से पहले एग्जाम रेडी होना है. एग्जाम से पहले हमें सिमिलर कंडीशंस में टेस्ट प्रैक्टिस
आगे आने वाले 7 दिनों में आप एटलीस्ट 3 टेस्ट दे सकते हैं क्रिएटिंग द सिमिलर एग्जाम कंडीशंस. लाइक हमारा एग्जाम टाइमिंग रहता है, आपको उसी टाइमिंग में करना है वो टेस्ट, प्रॉपर टाइम बाउंड मैनर में करना है. और जैसे एग्जाम में आपने सोचा हुआ है कि आप ऐसे पेपर अटैम्प्ट करोगे, वैसे ही आपको वो एग्जाम अटैम्प्ट करना है, ठीक है. उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको वो चीज़ एनालाइज भी करना है कि आपने जिस माइंडसेट से ये एग्जाम दिया है, ये पेपर दिया, इज इट वर्किंग फॉर यू आर नॉट, ठीक है. एंड फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज नेगेटिव कंट्रोलिंग. नेगेटिव कंट्रोलिंग पे मैंने ऑलरेडी चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, बट जो वो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म में आप कैसे नेगेटिव कंट्रोलिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है. अब जैसे कि टाइम नहीं बचा है, सिर्फ 7 दिन ही है, तो आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन नेगेटिव कंट्रोलिंग, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप एग्जाम में कैसे नेगेटिव कंट्रोल कर सकते हैं. टिल देन आप ये 3 पॉइंट्स फॉलो करिए, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली फर्स्ट पॉइंट फॉलो करना है, क्योंकि सेकेंड और थर्ड पॉइंट आपको सब बता देंगे, प्लस आपको खुद भी पता है, तो आप ये दोनों तो डेफिनेटली आई नो करने ही वाले हैं, बट दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जैसे कि श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए. सो वही मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप चिंता मत करिए, टेंशन मत लीजिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि अगर आप फल की चिंता करोगे तो आप 100% अपना कर्म में नहीं दे पाओगे, पर आप कर्म नहीं कर पाओगे तो फिर फल कैसे मिलेगा, एज सिंपल एज दैट. तो अभी आपको क्या करना है, सिर्फ आपको कर्म करते जाना है, आप पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव है मिलेगा. सो दिस इज इट फॉर टुडे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.